Hey beautiful people, welcome back to my channel. I'm your Shri here. Hope you guys are doing really good. So in this video I'm gonna share with you this soft glam makeup look. This is going to be a short makeup tutorial for beginners. This is very easy to do and very wearable also. आप देख सकते हो मैंने बहुत ही softest look को रखा हुआ है. आप इस लुक को किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए इजीली क्रिएट कर सकते हो. इवन आपको मेकअप करना नहीं आता है देन बहुत इजीली आप इसे कर सकते हो. आई मेकअप मैंने बहुत ही सॉफ्ट रखा हुआ है. सॉफ्ट कट क्रीज आई लुक मैंने क्रिएट करा है. सो या दिस इज द लुक. इफ यू वांट टू सी हाउ आई क्रिएट दिस लुक देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. सो सबसे पहले प्राइमर के लिए मैंने लिया था शुगर का प्राइमर. इसी को मैं अच्छे से अपनी टी जोन पे अप्लाई करते हुए पूरी फेस पे मैं इसे अप्लाई कर लूंगी. ये प्राइमर बहुत अच्छा प्राइमर है. अगर आप इसे लेना चाहते हो ना देन विदाउट ए सेकेंड थॉट जस्ट क्रैप इट. बहुत अच्छा प्राइमर है. फाउंडेशन को एकदम मक्खन की तरह ब्लेंड कर देता है एंड मेकअप को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखता है. सो देन फाउंडेशन के लिए मैंने लिया है शुगर का स्टिक फाउंडेशन. इसका ये क्रीमी टेक्सचर का है बट मैट फिनिश देता है. सो ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है. सो इसी को लेकर मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी. एंड देन फॉर कॉन्टोर यहाँ पर मैंने लिया है मेरा स्टिक क्वारिक का कॉन्टोर स्टिक. मैं अपने चिक्स को नोज़ को एंड जॉ लाइन को मेरी थोड़ी सी ना दिख जाती है डबल चिन उसे मैं हाइड करते हुए ऐसे अप्लाई कर रही हूँ कॉन्टोर स्टिक. थोड़ा सा लिप्स को मैं कॉन्टोर करूँगी. मेरे लिप्स वैसे ही फुलर लिप्स है. मुझे उसे लाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या कॉन्टोर करके उसे फुलर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बस स्टिल एक लुक के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट सा लुक के लिए मैं अपने लिप्स को कॉन्टोर करूँगी लाइक दिस. देन मैं एक ब्रश ले रही हूँ फ्लैट ब्रश. उसी के हेल्प से मैं अपनी कॉन्टोर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी. जो हमने चिक्स पे कॉन्टोर अप्लाई करा था ना उसे मैं अपवर्ड डायरेक्शन पे ब्लेंड करूँगी एंड जो जॉ लाइन में मैंने करा था डबल चिन को हाइड करने के लिए उसे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करूँगी. ओके सो अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी. एंड नोज़ पे जो मैंने कॉन्टोर ऐड करा था उसे ब्लेंड करने के लिए मैं एक छोटा सा ब्रश ले रही हूँ. उसी के हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. देन फॉर कंसीलर मैंने अगेन लिया है शुगर का कंसीलर. ये कंसीलर ना आपके पास होना ही होना चाहिए. बहुत सही कंसीलर है. 799 का आता है बट मस्ट है. मस्ट प्रोडक्ट है. अगर आपके पास मेकअप कलेक्शन है और आप किसी कंसीलर को ऐड करना चाहते हो देन ये आपके पास होना ही होना चाहिए. सो जस्ट क्रैप इट. सो इसी से मैंने अपनी आई लिड पे आई बेस तैयार कर लिया है. थोड़ा सा नोज़ पे अप्लाई करा था. थोड़ा सा आई लिड पे चिन पे एंड कॉन्टोर को थोड़ा सा शेप देने के लिए अप्लाई करा था एंड फोरहेड पे उसे ब्लेंड करके बिला वो स्टिक की कॉम्पैक्ट से मैंने सारी फेस और नेक और चेस्ट सेट कर लिया था. सो देन फॉर आईब्रो मैंने लिया था NY बेका आईब्रो पेंसिल. ये अफोर्डेबल है एट द सेम टाइम बेस्ट आईब्रो प्रोडक्ट है. अफोर्डेबल साइड में ये बेस्ट है. इसी को लेकर मैं अपनी आईब्रो को अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी. एंड देन फॉर आई मेकअप यहाँ पर मैंने लिया है शुगर का आई शेडो पैलेट. इसमें से बस मैंने ये दो शेड से ये आई लुक क्रिएट करा है. सो पहले मैं ये वॉर्म ऑरेंजी शेड को ले रही हूँ एंड इसे लेकर मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ लाइक दिस. हैवीली मैं इसे अप्लाई करूँगी. ओके सो ऐसे मैं अप्लाई करने के बाद एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करूँगी. अच्छे से मैं इसे ब्लेंड करूँगी लाइक परफेक्टली जैसे कोई हॉर्स लाइन बिल्कुल ना रहे. ओके सो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने थोड़ा सा और फ्लफी ब्रश में वही शेड लिया था एंड उसी को मैं आउटर वे पे प्लेस करके अगेन मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. एंड एज यू कैन सी ब्लेंड अच्छे से हुआ है. एंड देन सेम शुगर की कंसीलर से मैं यहाँ पे कट क्रीज कर रही हूँ. एंड ट्रस्ट मी मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि बहुत दिन से मैंने कट क्रीज ट्राई नहीं किया था. सो मेरे हाथ कांप रहे थे. सो यू जस्ट नीड अ लिटिल प्रैक्टिस फॉर दिस देन आपका हो जाएगा कट क्रीज. सो
सो कंसीलर पूरा मैं अप्लाई कर लूँगी वहाँ, एंड देन सेम पेंसिल ब्रश से मैंने वही सेम कलर लिया है एंड उसी को लेकर मैं ऐसे अप्लाई कर रही हूँ आउट ऑफ व्यू पे एंड कट क्रीज की जो एज है उसे सॉफ्ट कर रही हूँ। ओके सो देन मैंने लिया था गोल्डन शेड जो मैंने आपको दिखाया था स्टिकर लगा के, उसी को मैं पूरी कट क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ लाइक दिस। पहले मैंने बड़ा ब्रश लिया था बट उससे प्रिसाइजली हो नहीं पा रहा था, सो देन मैंने छोटे से ब्रश में लेकर अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड देन फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने थोड़ा सा एजेस को ब्लेंड कर लिया है ताकि आई मेकअप एकदम ब्लेंडेबल लगे। सो प्लम की काजल लेकर मैंने अपनी अपर वाटर लाइन पर थोड़ा सा अप्लाई करा था, देन लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई करके लोअर लैश लाइन पर भी थोड़ा थोड़ा मैंने उसे अप्लाई करा था एंड देन उसे एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा स्मोक आउट करने के बाद मैंने सेम शेड को लिया था जो मैंने पहले लिया था उसी के साथ मैंने काजल को ब्लेंड कर लिया है। एंड देन फॉर मस्कारा यहाँ पर मैंने लिया था कैमेलॉन का मस्कारा, उसी को पहले मैं अप्लाई कर लूँगी एंड देन मैं फॉल्स आई लैशेज अप्लाई कर लिया है एंड दिस इज़ द फाइनल आई लुक। सो बैक टू द फेस मेकअप, यहाँ पर मैंने शुगर का फेस पैलेट लिया है उसी से मैंने ब्रॉन्जर लिया है, मैं कॉन्टोर शेड को अच्छे से सेट कर लूँगी इसी से। जहाँ जहाँ पर मैंने कॉन्टोर शेड अप्लाई करा था वहीं पर मैं ब्रॉन्जर अप्लाई कर लूँगी एंड देन सेम पैलेट से मैंने ब्लश लेकर अप्लाई करा है अपनी अप लव द चिक्स पे एंड देन हाइलाइटर भी सेम पैलेट से लेकर मैंने अपनी ब्रा बोन, चिक बोन, ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन, आई ब्रा बोन में एंड आईज के इनर कॉर्नर पर अप्लाई करा है। एंड देन फॉर लिपस्टिक यहाँ पर मैंने लिया है शुगर का लिप क्रियॉन, ये ना बहुत सही लिप क्रियॉन है, इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी है लाइक अ बुलेट लिपस्टिक बट ये मैट फिनिश देता है एंड स्मश प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ भी ये है। सो इसको अप्लाई करने के बाद मेरा लुक एकदम फिनिश होता है। सो दिस इज माई फाइनल फिनिश लुक, बहुत ही सॉफ्ट सा ग्लैम मेकअप लुक है, आप किसी भी मैरिज फंक्शन या किसी भी ओकेजन के लिए आप इसे इजीली क्रिएट कर सकते हो, बहुत इजी है इसे क्रिएट करना जैसे कि आपने देखा। सो या दिस इज़ माय फाइनल लुक, आई होप आपको ये लुक पसंद आया है एंड आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये लुक पसंद आई है, ये वीडियो आपको पसंद आई है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि जो भी मैं वीडियोज़ डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आप बेल आइकन को हिट करते हो तो। सो या एंड मैंने छोटा सा इस लिप क्रियॉन के ऊपर मैंने छोटा सा रिव्यू दिया है अपने इंस्टाग्राम पे, अगर आप चेक करना चाहते हो देन हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।